तो इस बार ए और बी दो वैल्यू निकालनी है, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू थ्री पर क्या है, कंटिन्यूअस यानी सतत है, समझिएगा। सोल्यूशन देखो, लिमिट पॉइंट ए कितना दिया गया, फिर निकालेंगे एलएचएल, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, फार्मूला है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए की वैल्यू थ्री, थ्री माइनस एच, एक्स की वैल्यू मिल गई एफ के साथ है थ्री माइनस एच, माइनस वैल्यू क्या करता है कम करता है, एक्स की वैल्यू थ्री से कम हो गई, ये वाला केस लगेगा ए एक्स प्लस वन फंक्शन वैल्यू, पहली फंक्शन वैल्यू मिल गई क्योंकि इसने बता दिया कि यहाँ पे ये वाला केस लग रहा है, तो ए एक्स प्लस वन यहाँ पे एक्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे जिससे लिमिट रखने को मिले एक्स की वैल्यू थ्री माइनस एच, वैल्यू को ब्रैकेट में रखिएगा आउटसाइड में प्लस वन, लिमिट अप्लाई करो ए थ्री माइनस एच की वैल्यू जीरो, बाहर है प्लस वन, मल्टीप्लीकेशन करा दो ए का थ्री में तो थ्री ए प्लस वन, ठीक है इतना लिखो, फिर आर एच एल बताते हैं। अब आर एच एल देखो, आर एच एल, आर एच एल में यहाँ फार्मूला होता है फंक्शन ए प्लस एच, यहाँ थ्री प्लस एच, यहाँ भी थ्री प्लस एच, प्लस वैल्यू बढ़ा देता है यानी इस बार ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर केस नंबर सेकेंड, फंक्शन की वैल्यू क्या है डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस थ्री, और एक्स की वैल्यू रखेंगे तो बी, बी नोट किया एक्स की वैल्यू इस बार कितनी है थ्री प्लस एच, बाहर है प्लस थ्री, लिमिट अप्लाई करो एच की वैल्यू जीरो, तो बाहर है ब्रैकेट से बी, ब्रैकेट के अंदर थ्री प्लस थ्री प्लस एच की वैल्यू जीरो, आउटसाइड में प्लस थ्री, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्री बी प्लस थ्री। अब निकालेंगे एफ ए, क्या निकालेंगे एफ ए, एफ ए की वैल्यू लिमिट पॉइंट, क्या है लिमिट पॉइंट थ्री, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है जो एफ के अंदर होती है, एफ के अंदर कौन है एक्स इक्वल थ्री, कौन सा केस है यहीं पे तो है, क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो एक्स लेस देन थ्री है और दूसरा एक्स इक्वल थ्री है, तो फिर इस समय फंक्शन वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस वन, ए एक्स की वैल्यू बोलो थ्री प्लस वन, रिजल्ट क्या आया थ्री ए प्लस वन, क्वेश्चन में कह रहा था फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस, तो लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा दो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, एल एच एल की वैल्यू क्या थी जरा बताइए थ्री ए प्लस वन इक्वल, आर एच एल आपके सामने दिख ही रहा है थ्री बी प्लस वन, एफ ए आपके सामने दिख ही रहा है प्लस थ्री, थ्री ए प्लस वन थ्री बी प्लस थ्री। अब देखो इसमें तीन प्रकार के टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या पहला और लास्ट, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो फिर हम उसको दो बार नहीं लिखेंगे एक बार लिखेंगे, ठीक है तो हम क्या करें ये थ्री ए प्लस वन या ये वाला कोई एक छोड़ दें तो बनेगा थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, और यही चीज दोबारा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो भाई बोगा। अब थ्री ए प्लस वन इसको इधर ले आओ, ट्रांसफर ले लो थ्री बी माइनस थ्री, यहां से आया थ्री ए, यहां से आया माइनस थ्री बी, वन माइनस थ्री माइनस टू, बस यही रिलेशन आएगा। तो इसमें पूछा गया था फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी यहाँ पे फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है बस एक समीकरण मिलेगा, यू फाइंड ओनली वन सोल्यूशन, मतलब एक इक्वेशन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी इक्वेशन मिलेगी, यानी इसी बोलते हैं रिलेशनशिप, किसके बीच में ए एंड बी के बीच में, आंसर प्राप्त नहीं होगा। आंसर कब प्राप्त होगा, जैसे इन तीन में से कहीं एक जगह कोई कांस्टेंट होता, ना ए होता ना बी होता बल्कि कोई गिनती वाला एलिमेंट होता, काउंटेबल एलिमेंट, तो एक बार उस मान लो वहां इस जगह सेवन एट कुछ होता तो एक बार इसके बराबर एट ले लेते तो ए निकल आता, एक बार इसके बराबर एट ले लेते तो बी निकल आता,
लेकिन यहाँ कहीं भी अचर पद नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे आंसर नहीं मिलते, बल्कि क्या मिलता है? समीकरण, जिसको बोलते हैं इक्वेशन। बस यही आंसर, क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है।